वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं ये अभी खड़ा हूँ TRH यानी कि GMVN गढ़वाल मंडल निगम के गेस्ट हाउस में, जो कि है हरसिल वैली के बिल्कुल मेन पॉइंट पे, मेन लोकेशन पे। आप मेरे बैक साइड में देख रहे हो, बिल्कुल हॉट लोकेशन पे इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पर पीछे भागीरथी रिवर बह रही है आराम से, बहुत तेज पानी आता है और मौसम है ठंडा है। अभी क्या मंथ चल रहा है, जून, तो अभी भी ठंडा है। तो जब भी आप इधर आए तो जैकेट वगैरह कुछ लेकर के आइए गर्म। इसमें क्या है, TRH के गेस्ट हाउस में पहले तो आपको रूम बुकिंग अगर आपको चाहिए तो ऑनलाइन ही ट्राई करना पड़ेगा, वैसे आपको नहीं मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट आ भी जाते हैं तो मैनेजर से एक बार कॉन्टेक्ट कर लेना, उस टाइम पर कोई रूम अवेलेबल है तो वो आपको दे देते हैं उस टाइम पर। इसमें कैटेगरी की बात करें तो डिलक्स हट बनाई हुई है और रूम डिलक्स रूम, हम हट तो हमें मिल नहीं पाई क्योंकि हम डायरेक्ट आए थे, तो इसलिए हमें डिलक्स रूम मिला है जिसका प्राइस है 2800, जिसमें कि कुछ इंक्लूड नहीं है आपका ना ब्रेकफास्ट ना कुछ। लेकिन आपको चाहिए ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच की फैसिलिटी है अवेलेबल यहीं पे ही, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो डिलक्स हट का प्राइस है 4200, जो कि हट में सिर्फ ये है, एक हट टाइप का बना हुआ है रूम और नदी के किनारे है उस साइड, बैक साइड में। बाकी लाइट वगैरह का है थोड़ा सा इशू, लाइट चली जाती है मॉर्निंग में, गीजर वगैरह लगा हुआ है रूम में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये लोकेशन पड़ेगा, आर्मी कैंट है पूरा हरसिल वैली, आर्मी का होल्ड है पूरा, तो उसी के अंदर ये एक जगह है बहुत बड़ी, भागोरी गांव इसके आगे पड़ेगा, उससे पहले पड़ेगा आपका ये गंगोत्री वाले रास्ते पे, गंगोत्री यहाँ से 25 किलोमीटर और आगे है। आप आए तो हरसिल वैली में आप रुक सकते हैं, और अच्छा अगर आपको पीस चाहिए यहाँ पे घूमने के लिए तो आसपास नहीं है ज़्यादा, तो आपको अंदर ही रहना पड़ेगा। लेकिन पीस चाहिए तो आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको शांति मिल जाएगी। इसलिए जो ये है TRH के गेस्ट हाउस, रिजॉर्ट तो नहीं कह सकता, रिजॉर्ट भी हो सकता है। पीछे से उतर करके आप यहाँ से नदी के किनारे बैठ सकते हैं, जा करके आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। और रूम कैटेगरी अभी मैंने वीडियो में ले रखी है इसमें, तो वो देख लेना, फ्रंट साइड का वीडियो, ये बैक साइड में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, फ्रंट साइड का वीडियो देख लेना आप, तो आपको आइडिया हो जाएगा आपको लेना है यहाँ पे आके नहीं लेना। बट जगह अच्छी है अगर पीसफुल टाइम बिताना है 1 या 2 नाइट के लिए। और गंगोत्री अगर जा रहे हैं तो यहाँ पे आप रुक करके गंगोत्री के दर्शन के लिए जा सकते हैं। इसके पास है गरतान गली भी, पास पड़ता है यहाँ से 15-16 किलोमीटर, वहाँ पर भी आप जा सकते हो। जो आपकी गरतान गली आपको पता होगा, पहले तिब्बत से इंडिया में व्यापार होता था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उससे करते थे, तो यही जगह है मेन तो। और बाकी उत्तरकाशी पीछे पड़ता है 80 किलोमीटर, वहाँ पे आप जा सकते हो। तो दोस्तों आगे जो इन्फॉर्मेशन होगी इसके बारे में आपको इस वीडियो में दूंगा, ये पूरी वीडियो है TRH गेस्ट हाउस के लिए। तो फ्रेंड्स अब पार्क कर दिए फाइनली गाड़ी, और पार्किंग के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस है हरसिल वैली के अंदर ही। ये मैंने TRH का जो गेस्ट हाउस है उसी के पास ऊपर आर्मी का गेट है, गार्ड्स वगैरह भी खड़े रहते हैं, ऑफिस है एक्चुअली यहाँ पे, तो वहीं पे पार्किंग थी। अब बढ़े हैं आगे हम, ये एक गांव है, गांव के अंदर ही वैली बसी हुई है, और इसके आगे बागोरी गांव और बहुत सारे गांव हैं। ये सुंदर होम स्टे जो दिख रहा है, ये काफ़ी फेमस होम स्टे है इधर, और ये है टूरिस्ट गेस्ट हाउस का बोर्ड। अब ये अपना टूरिस्ट गेस्ट हाउस जो है, टूरिस्ट रेस्ट हाउस TRH का मेन गेट के पास में बोर्ड लगा हुआ है ये। तो अंदर यहाँ पे रूम्स आई थिंक 7 से 8 रूम है, और एक ही हट है इसमें एक्चुअली, वो बैक साइड में रिवर के पास बनी हुई है। ये गार्डन छोड़ा हुआ है बाहर, प्लेग्राउंड तो, और विंटर्स में इधर बर्फ़ भी पड़ती है। ये देखो पूरा अच्छा व्यू है एकदम, और ये मॉर्निंग का डे का व्यू है एक्चुअली, तो आसपास के एरिया का व्यू है। और TRH गेस्ट हाउस ऐसी लोकेशन पे है कि जो हरसिल वैली की मेन लोकेशन यही है, हॉट लोकेशन बोल सकते हो इस चीज़ को आप। बैक साइड में नदी, और इधर अपना गेस्ट हाउस, आप बैक साइड में नदी के पास में डिनर भी कर सकते हो मंगा करके, चाय भी पी सकते हो, और कुछ भी इंजॉय कर सकते हो वहाँ पे, प्ले भी कर सकते हो साइड में जा करके रिवर के। ये मैंने इसका एक फ़ोटो क्लिक करके ये डाला हुआ है रेफरेंस के लिए कि इस तरीके का दिखता है रूम्स का और बाहर से। अगर फ्रेंड्स आप गंगोत्री भी जाना है तो हरसिल वैली में आप स्टे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इधर रुक करके ही गंगोत्री के लिए निकलते हैं यात्री। और ये जो हरसिल वैली है,
आपका 1 से 2 दिन के लिए तो अच्छा है, ज़्यादा टाइम स्पेंड आई थिंक यहाँ पे नहीं हो पाए। GMBN गेस्ट हाउस का रिसेप्शन है और इधर रेस्टोरेंट मिल जाएगा आपको, रेस्टोरेंट अच्छा है, साफ है। हर जगह जहाँ पे भी आपको मिलेंगे ये गवर्नमेंट का, एक्चुअली हर जगह लोकेशन अच्छी मिलेगी आपको इसकी। तो ये चीज़ तो मैंने इनके ट्राई किया, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो कि मैंने स्टे किया है हर्षिल वैली में। दोस्तों मैंने बताया 102 दिन आप अच्छा एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा एक्टिविटी ज़्यादा है नहीं इधर करने को, लेकिन आप वैली में 2 दिन बिल्कुल पीसफुल आप बिता सकते हो और अच्छे एनवायरनमेंट में, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में इधर आप रह सकते हो। और अभी बढ़ रहा हूँ मैं आगे, यहाँ की फेमस जगह जो है एक पोस्ट ऑफिस, आपने बहुत सी वीडियो में देखा भी होगा कि यहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस है जहाँ पे राज कपूर साहब की फिल्म राम तेरी गंगा मैली की वजह से भी ये फेमस हुआ है दोस्तों, हर्षिल वैली। और जो यहाँ पर आता है वो एक बार इस पोस्ट ऑफिस को ज़रूर देख करके जाता है यहाँ से। तो मैं भी उसी तरफ बढ़ रहा हूँ, ये रास्ता वहीं जा रहा है, गेस्ट हाउस से निकल कर के बाहर एक ये हेल्थ सेंटर है, हेल्थ सेंटर के पास ही पोस्ट ऑफिस है और बहुत ही फेमस पोस्ट ऑफिस है और बहुत पुराना। आप मूवी देख सकते हो वो जा कर के नेट पे, तो उसमें भी यही पोस्ट ऑफिस मिलेगा। और उस टाइम के अकॉर्डिंग अब कितना डेवलप है, हर्षिल वैली को डेवलप किया हुआ है, थोड़ा सा मकान बन गए हैं और ज़्यादा गाँव में, और आर्मी ने अच्छा अपना किया हुआ है वहाँ पे सब चीज़ें, और क्लीन भी है ये गांव, काफ़ी क्लीन है। अभी मैं वही पोस्ट ऑफिस दिखाऊंगा आपको जो कि मेरे लिए भी एक बहुत, रात से मैं भी वेट कर रहा था कि इस चीज़ को ज़रूर देखने चलेंगे सुबह। तो ये है वो पोस्ट ऑफिस दोस्तों, राम तेरी गंगा मैली का बोर्ड भी लगा हुआ है मूवी का इधर। और ये देखो यहाँ पर चिट्ठी डालो ना डालो, लेकिन आप इसको देखने आएंगे। और ये अपने कामों से ज़्यादा ये इस फिल्म की वजह से फेमस हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में यही था, TRH का गेस्ट हाउस कहाँ पे है, किस लोकेशन पे है, कैसी लोकेशन है, कैसे टैरिफ है, कैसे आप बुक कर सकते हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। और यहाँ से अब चलेंगे हम गंगोत्री की तरफ बढ़ेंगे, गंगोत्री के दर्शन करेंगे और फिर गरतांग गली भी हमें जाना है, गरतांग गली भी हम दर्शन नहीं करेंगे एक्चुअली, वहाँ पर हम ट्रैक करेंगे। गरतांगली में एक्चुअली ट्रैक होता है 2 किलोमीटर का। यहाँ से हम उधर ही चलेंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों देखो अब ये एक और एडवेंचर आ गया है बीच में, आपको यहाँ से उतर करके ऐसे घूम करके फिर ऐसे घूम करके नदी के पास जा करके फिर आपको स्लोप पे ऊपर मिलेगा, स्लोप चढ़ पे चढ़ेंगे। तो बहुत ही टफ सा लग रहा है मुझे ये ट्रैक।